हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस। तो देखिए, यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जानकारी आपको मिल सके 10th to 12th एंड ग्रेजुएशन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, हमारे जो भी इंटीग्रेशंस दिया, समाकल दिया है, यहाँ पर हमें लिमिट दी है। क्या दिए हैं? 0 to 1, 0 to 1 लिमिट दिए हैं और tan इनवर्स x dx, ये हमें क्वेश्चन दिया था। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, जो हमने ऐसा कैसा उतार दिया, 0 to 1 लिमिट है। हमने क्या किया, tan इनवर्स x है, यहाँ पर इसके साथ कोई नहीं है, तो इसके लिए हमने एक डॉट वन यानी कि गुणा करेंगे तो ये का ये आएगा, तो इसलिए हमने डॉट वन यानी कि गुणा वन dx, इसको हमने क्वेश्चन नंबर एक दे दिया। इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड माना। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब गुणज के रूप में इंटीग्रेशन करना हो तो फर्स्ट सेकंड, तो क्या करते हैं, पहले का जो होता है उसका क्या करते हैं, जो भी कोई भी, यानी कि आपको मैंने यहाँ पर क्या किया, tan इनवर्स x था उसको स्थिरांक रखा और जो इसका किया इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूले में देखा होगा आपने, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 0 to 1 लिमिट। अब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो एक्स डी एक्स। तो देखिए, x tan इनवर्स x हो जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पर इस स्थिति को संतुष्ट करने के लिए, ताकि ऐसी कोई संख्या ऊपर बन जाए और नीचे उसका इंटीग्रेशन आसानी से होने के लिए, हमने क्या किया, ऊपर भी 2 से गुणा किया और नीचे भी 2 से भाग दे दिया, है ना, 2 से गुणा किया, 2 से भाग दे दिया। तो देखिए, यहाँ पर हो गया 2x dx और नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको t मान लिया, है ना। तो x tan इनवर्स x है ना, यहाँ माइनस 1/2, इसको हमने t माना, इसको नीचे वाले, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर t है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मालूम होगा, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो 2x dx की या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं ना, तो माइनस 1/2 और ये हमने माना है t। तो ये है x tan इनवर्स x, क्या देखिए, x tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसको अब dt अपॉन t क्या हो जाएगा, log t। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t। अब इसकी लिमिटेशंस, पूरे इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी, 0 to 1 थी। तो यहाँ पर देखिए, अपर लिमिट पुट कीजिए, 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log। अब हमें पता है t का मान क्या था, t का मान 1 प्लस x स्क्वायर था, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो देखिए, 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0। तो हमें पता है tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होती है, 5/4 होती है, तो 5/4, और 5/4 का 1 से गुणा करेंगे तो 5/4 ही आएगा, माइनस 1/2 log 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार, अब 0 तो है, इसमें घटाएंगे 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो इंटीग्रेशन दिया था, इसका फाइनल आंसर हो गया 5/4 माइनस 1/2 log 2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियोज पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूले, और लाइक्स और कमेंट्स कर देना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ऐसे और इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस मिल सके सॉल्यूशन विद। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।